नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर पूनम मलिक मानव विकास व पारिवारिक अध्ययन विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पे शिक्षा देने के लिए कुछ शिक्षण सामग्री जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चे बहुत समझदार नहीं होते हैं और उन्हें खेल खेल में सिखाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके लिए हम घर पर कुछ सामग्री तैयार कर सकते हैं जिससे बच्चे खेल खेल में या कविता और कहानियों के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये सामग्री आप घर पर ही बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कुछ पपेट्स हैं जिनको हिंदी में हम कठपुतलियाँ बोलते हैं, हैंड पपेट होती हैं जिसको आप हाथ में डाल के कोई भी कविता या कहानी बच्चे को सुना सकते हैं, जैसे कि तोता हूँ मैं तोता हूँ इस तरह से। ऐसे ही ये जैसे एक मुर्गा बनाया हुआ है या इस तरह के कोई कहानी के लिए आप इस तरह के पपेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नमस्ते मेरा नाम मोंटू है। इसी तरह से आप ये अनेक तरह की पपेट्स बना सकते हैं और बच्चों को कविता और कहानियां सुना सकते हैं। इसी तरह से बच्चे ये मास्क लगाना भी बहुत पसंद करते हैं। ये मास्क आप मुंह पर लगाकर बच्चों को कोई भी कविता या कहानी सुना सकते हैं। इस मास्क को पेपर मैशी के द्वारा बनाया जाता है जो कि बहुत ही आसान होता है। आप एक प्लास्टिक का मास्क लेकर उस पर कागज़ के भीगे हुए टुकड़े चिपकाते जाते हैं और एक ही मास्क से कई मास्क तैयार हो जाते हैं। साथ ही जैसे अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि विभिन्न व्यवसाय क्या होते हैं, डाकिया कौन होता है, डॉक्टर क्या काम करता है, उसके लिए आप इस तरह के पपेट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये मिलिट्री मैन है, सफाई कर्मचारी किस तरह से सफाई करते हैं, नर्स क्या काम करती है, या कुम्हार कैसे घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस प्रकार से हम उनको विभिन्न व्यवसायों की जानकारी दे सकते हैं। फिर छोटे बच्चों को अगर आपने गिनती सिखानी है तो बहुत सारी गिनती एक साथ याद नहीं रख सकते, तो इस तरीके से आप अलग अलग गिनती के कार्ड्स बना सकते हैं जिससे बच्चा अलग अलग नंबर्स को आसानी से पहचान सके। उसको थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए आप इस तरह का एक चार्ट भी बना सकते हैं जिसपे कि जो बटन चिपकाकर बच्चे को गिनने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि एक बटन है, एक और दो बटन है, जो बहुत सस्ता भी पड़ता है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बच्चे को बहुत ही मज़ेदार लगता है। या फिर आप इस तरह के बीड्स होते हैं जिससे बच्चा गिन भी सकता है और रंगों की पहचान भी कर सकता है, जैसे एक दो तीन चार, फिर वापस डालेगा एक दो तीन चार। इसी तरीके से जैसे कि बच्चे की जो मांसपेशियों का विकास होता है उसके लिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं पकड़ पाता और जैसे जैसे वो सीखता जाता है, प्रैक्टिस करता जाता है, उसे चीज़ें आती जाती हैं, तो बच्चे को सिखाने के लिए आप इस तरीके से एक बोर्ड तैयार कर सकते हैं जिसपे बच्चा जैसे बटन खोलना और बंद करना या जिप खोलना और बंद करना या ये हुक बटन, जूते के लेस बांधना और ये टिच बटन, इन सब की वो प्रैक्टिस कर सकता है, सीख सकता है। इससे उसकी उंगलियों का, मांसपेशियों का विकास भी होता है। इसी तरीके से आप एक इस तरह से पोएम बुक जैसे कविताओं की किताब भी बना सकते हैं। जब आप बच्चों को कविता सिखाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, कविता सिखाते वक्त अगर आप उसको इस तरह से ये बुक दिखाते हैं जिसमें कि बहुत तस्वीरें भी बनी हुई हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अगर बच्चे को पढ़ना आता है तो ये बहुत मनोरंजक भी होती हैं, मज़ेदार भी होती हैं और मार्केट में जो मिलती हैं किताबें बहुत ही महंगी होती हैं और कई बार उनमें छोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो ये आप घर पर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती पड़ती हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं इस तरीके से। और आप हर एक चीज़ पे, फलों पे, पक्षियों पे ऐसे अलग अलग कविताएं बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चे को अगर आपने, जैसे अभी आजकल स्कूल नहीं लग रहे हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है, स्कूल में नहीं जा पा रहा है और घर पर बोर होता है, तो आप उसको विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं।
जैसे कि ये आइसक्रीम की जो स्टिक्स आती हैं चूसने के बाद घर पे बच जाती हैं, और गत्ते से मिला के ये हमने एक मोर बना दिया। या अखबार से बच्चे को फूल बनाना सिखा दिया, बिल्कुल जो घर पर आसानी से सामान मिल जाता है उसी से बच्चा ये चीज़ें बना सकता है। इससे बच्चे की रचनात्मक विकास होता है और बच्चा बहुत ही खुश होता है, उसका मनोरंजन भी हो जाता है, वो चीज़ें भी सीखता है। जैसे कि ये ऊन से, ऊन के धागों से बनाई हुई है, इससे बच्चा ये भी सीखेगा कि पक्षी ऐसा होता है, ये ऊन है, ये रंग है, और उसका मनोरंजन भी हो जाता है। ऐसे ही आप विभिन्न प्रकार से अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ऊन से कॉटन से बनाया हुआ है, इसके अलावा जैसे आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की सतहें, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, तो आप इस तरह का एक चार्ट तैयार कर सकते हैं जिस पे बच्चे को एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलेंगी और वो उनको छूकर महसूस करेगा और उसे पता चलेगा कि जैसे ये नरम है, ये सलवटों वाला है, ये लहरीदार है, ये उछाल वाले हैं, ये सख्त है, इस तरीके से इससे उसका ज्ञान बढ़ता है। इसी प्रकार से अगर बच्चे को मौसम की जानकारी देनी हो तो हम एक इस तरह का चार्ट बना सकते हैं जिस पे अलग अलग मौसम, जैसे धूप वाला मौसम है, बारिश का मौसम है, कई ठंडे मौसम, ठंडे देशों में जैसे बर्फ़ पड़ती है, तो उस मौसम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम इस पर लगा सकते हैं। जब बच्चे को बताएंगे कि जब गर्मी होती है तो हम जूते नहीं पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, आधी बाजू की शर्ट पहनते हैं और धूप का चश्मा लगाते हैं, इससे बच्चे को मौसम की जानकारी मिलती है, एक मज़ेदार तरीके से मिलती है। इसी प्रकार अगर आप बच्चे के दिमाग का विकास करना चाहते हैं और उसको एक एक्सरसाइज देना चाहते हैं तो हम एक साइड पे इस तरह दो तरह की तस्वीरें, जहाँ पे ये पूरी तस्वीर है और ये उसका एक हिस्सा है, बच्चे को हम कहेंगे कि कौन सी हिस्सा किस तस्वीर का है उसको मैच करें। इससे एक तो उसका दिमाग तेज़ी से चलता है, दूसरा उसका ज्ञान भी बढ़ता है कि आप पूछेंगे अच्छा ये इससे मैच करता है तो ये कौन सा पक्षी है कि ये तोता है, तो बच्चे की जानकारी भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप घर पर ही अपने बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री बना सकते हैं और उसकी शिक्षा को बहुत ही रोचक और मनोरंजक बना सकते हैं। धन्यवाद।